नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,923 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7,293 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, तो देश में कोरोना के 79,313 मामले सक्रिय हुए हैं, जबकि कोरोना के प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 2.55% है। देश में कोरोना से अब तक 4,27,15,193 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,24,890 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। बीते सोमवार को देश में 13 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,310 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,116 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 97% है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के भीतर 1,221 लोग कोरोना से ठीक हुए, वहीं 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पर्यटन स्थलों, शिक्षण संस्थाओं व प्रमुख स्थानों पर किया गया। सबसे खास बात है कि सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में ब्रह्मा मुहूर्त में योग शुरू हुआ, जहाँ प्रदेश के सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ में योग साधना देखने को मिली। धूपगढ़ की पहाड़ी पर पर्यटकों व नागरिकों एवं स्कूली बच्चों के साथ प्रशासन भी योगा करते नजर आए। बताने की नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह, फील्ड डायरेक्टर एसटीआरएल कृष्णमूर्ति, एसडीएम पिपरिया नितिन टाले सहित अन्य कर्मचारी व सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा बायसन लॉज इटारसी में तिलक सिंदूर में योग का आयोजन किया। नर्मदापुरम जिले में आज योग अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया, जिसमें सभी पर्यटन स्थलों पर और ऐतिहासिक स्थलों पर योग अभ्यास किया गया है। सेठानी घाट, मढ़ई, पचमढ़ी, बाइसन लॉज और यहाँ पर आज धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्रों ने योग अभ्यास किया। नर्मदापुरम जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पर्यटन की थीम को लेकर किया गया। इस दौरान जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, शिक्षण संस्थाओं पर नागरिकों और स्कूलों कॉलेज विद्यार्थियों ने योग अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान तहत पचमढ़ी में नर्मदा के प्रसिद्ध सेठानी घाट, इटारसी के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल तिलक सिंदूर, बायसन लॉज पचमढ़ी, नर्मदा तवा संगम बांद्रा भान सहित स्कूल कॉलेजों में भी सुबह के समय योग के आयोजन हुए, जिसमें योग साधना के साथ ही सूर्य नमस्कार सहित योगासन किए गए। बताने की नर्मदापुरम जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत टूरिज्म के लिए चयनित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद लगातार क्षेत्र में प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। बात की जाए जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 पांड्री की, तो यहां से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी रामेंद्र सिंह रामू सरसई लगातार सभी 25 पंचायतों में जनसंपर्क कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। वहीं रामेंद्र सिंह रामू ने सीता की गढ़िया, किटी, देवगढ़ सहित करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोगों से जनसंपर्क करते हुए आशीर्वाद भी लिया। अच्छा, रामू भैया का माहौल अच्छा लग रहा। सरपंच जी, सरसई की ग्राम सरपंच अभी वर्तमान सरपंच हैं और हमारे यहाँ सदस्य आते हैं, कोई काम होता है कोई फोन करता है, सभी लोग हम उनके ही साथ हैं। जनता का रुझान है, क्षेत्रीय जनता का, हमारी माता बहनों एकदम एवं गरीब परिवार के लोगों का मेरे साथ सहयोग है। ऐसे बुजुर्ग लोग मेरे साथ में चल रहे हैं, कंधा से कंधा लगा के, इनका आशीर्वाद है अपने ऊपर, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता मेरी भगवान है, ईश्वर है। मैं इनके लिए, इनके चरणों में वंदना करता हूँ सबके लिए कि मुझे आशीर्वाद दें, और सबका आशीर्वाद जो अपने साथ संख्या चल रही है, देख रहे हैं कितनी तादाद में भीड़ है, सब कुछ सबका आशीर्वाद है। बिलासपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति मिलने पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता थी, जिसके लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला था और उनसे अस्पताल के लिए आग्रह किया था। अस्पताल की स्वीकृति की खबर मुझे पोर्टल से मिली। वहीं क्षेत्रवासियों को अस्पताल मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिलासपुर
पुराने संभाग है, औद्योगिकरण का प्रमुख स्थान है और ऐसे जगह में अस्पताल खुलने चाहिए। आज पोर्टल में जो आया है, देश में बहुत सारे जिला में जो खुले हैं उसमें बिलासपुर का भी नाम है, तो मैं क्षेत्र के जनता को इसके लिए बधाई देता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के रीड में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में 23 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। जनपद रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है और उससे जितनी संबंधित तैयारियां हैं वो पूरे हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे सभी जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न करा ली गई थी। रामपुर का कोई भी फोर्स हमारा बूथ पे नहीं लगेगा, या तो CAPF लगेगी या तो बाहर का आया हुआ फोर्स लगेगा। ये एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है। अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कितने हमारे केंद्र संवेदनशील हैं, तो 199 केंद्र हमारे क्रिटिकल हैं और उनसे प्रभावित होते हैं 371 मतदेय स्थल, और जो वल्नरेबल मजरे हैं जहाँ पे कभी ये संभावना हो सकती है कि कोई वोट ना डालने दे रोके हैं, हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वो करीब 360 व्यक्ति हैं सबको पाबंद कर दिया गया है, सबसे बात हो गई है। भानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत गांधी सागर से सरपंच पद की उम्मीदवार खुदीराम विश्वास ने ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के वादे के साथ मीडिया से चर्चा की। वहीं उन्होंने बताया कि गांव की जनता अगर मुझे सरपंच चुनती है तो मैं गाँव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। हमारे प्रमुख मुद्दे नल जल योजना, स्वच्छता अभियान, CC रोड, प्रधानमंत्री आवास हैं। पर समस्या का निदान तो होता नहीं है। अब इससे पहले भी जो आए थे उन्होंने समस्या का निदान नहीं किया था, और अपना खुदीराम जी थे जो भूतपूर्व सरपंच, उन्होंने बहुत कुछ किया गांव वालों के लिए। इनके पास वास्तव में निजी घर नहीं है, इरीगेशन के राइट ऑफ क्वार्टर है छोटे छोटे, इनमें लेबर लोग मजदूर लोग रहते थे, आज सबके परिवार बड़े हो गए हैं। इनकी मूल दिक्कत है कि एक बढ़िया मकान हो जाए, लाइट पानी CC रोड लेट्रिन ये सब चीज़ें इनकी समस्या है। नरसिंहपुर की आसरा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय रहवासियों और कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए अभी हाल में लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर रहे तो वहीं सोमवार भारत बंद का आह्वान किया गया था। वहीं बता दें कि राजधानी में इस तरह का कोई विरोध अब तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना बना हुआ है। वहीं रेलवे स्टेशन में भी अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में भी अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं किसी भी तरह के अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। स्थिति कंट्रोल में है, कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पुलिस लगी हुई है, GRP लगी है, RPF है साथ में, पेट्रोलिंग लगातार चल रही है और हम लोग नज़र बनाए हुए पूरे राज्य में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स में शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगे भी हम लगे रहेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर जहां छात्रों द्वारा कई शहरों में धरना प्रदर्शन कर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं नकुड़ पुलिस ने मामले में सतर्कता बरती। नकुड़ पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के अलग अलग गांव से कुछ युवा एकजुट होकर गांधी पार्क में हंगामा खड़ा कर सकते हैं, जिसको लेकर SSP आकाश तोमर ने निर्देश पर नकुड़ क्षेत्र अधिकारी अरविंद सिंह पुंडीन ने भारी पुलिस फोर्स और RRF के जवानों के साथ नकुड़ स्टैंड पर जाकर वाहनों की चेकिंग की। वहीं CO अरविंद सिंह पुंडीन ने कहा कि यदि किसी को अपनी बात कहनी है तो वह ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रख सकता है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है।
स्कूल शुरू होते ही बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस दौरान आरटीआई के दायरे में आने वाले स्कूलों में भी बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते प्रदेश शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि आरटीआई के जरिए प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद उनकी लॉटरी निकलती है। इस स्कीम के अंदर निजी स्कूलों में 25% सीट आरटीआई में रिजर्व होती है। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान बंद हुए स्कूल संचालक दोबारा स्कूल करने के लिए अनुमति ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं। आरटी के तहत जो है बच्चे एडमिशन ले, उनको एडमिशन अभी नहीं हो पा रही है निजी स्कूल में, तो उनके ऊपर क्या संज्ञान लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, आरटी में प्रवेश लेने के लिए सभी पेरेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जो स्कूल पास में होता है वो वहाँ पे वो लोग प्राथमिकता के आधार पर भरते हैं उसको, और भरने के बाद उनकी लॉटरी निकलती है। हर स्कूल में 25% आरटी के बच्चों को लेना रहता है। कोरोना काल में सैकड़ों स्कूल बंद हुए हैं, क्या उसको खोलने की अनुमति मिल देंगे? नहीं, निजी स्कूल अगर खोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, उन्हीं के निवेदन पर हम लोग ने बंद किए हैं कि हम बंद करना चाहते हैं। अलग कारण बताएं, कोई कोरोना काल बताए, कुछ बताए, अगर पुनः अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो अनुमति मिलेगी। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम। इन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जितने स्कूल बंद हुए हैं, अगर वो खोलना चाहते हैं तो निश्चित तौर से उनको अनुमति राज्य सरकार देगी। मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज, रायपुर। खनिया धाना नगर परिषद में विगत कई सालों से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आम नागरिकों द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार इन सभी शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा था। वहीं एक बार फिर नगर परिषद के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए एक मामला सामने आया है, जिसमें मात्र एक महीने पहले खनिया धाना के प्रसिद्ध नरसिंह तालाब पर लगाया गया सेल्फी पॉइंट पहली ही बारिश में धराशाही हो गया। आपको बताने की 3,90,000 की लागत से ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। अब देखना होगा कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होती है। अध्यक्ष से लेकर जितने ही पार्षद थे वो सब कांग्रेस ही थे। तो अभी क्या है कि नगर पालिका में अभी उन्हीं का दबदबा है, इसके चलते हुए CMO और जो भी ठेकेदार हैं उनकी मिली भगत से ये घटिया निर्माण हुआ है। जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था वो बहुत अच्छा था, पर घटिया सामग्री के द्वारा निर्माण कराया गया, जिस कारण से पहली ही बारिश में वो धराशायी हो गया। प्रदेश में हो रही बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सहारनपुर की मानकमऊ नहर की पुलिस पर बच्चे नहर में छलांग लगाकर बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नहर में नहाने गए युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई थी, इसके बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन हादसों से सबक नहीं ले रहा है और उत्पात मचाने वालों को रोकने के लिए केवल एक चेतावनी बोर्ड लगाकर ही अपनी ड्यूटी से मुक्त हो गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान को बेचने की फिराक में घूम रहे चोरों को गिरफ्तार किया। CSP राजेश चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुरानी बस्ती में 3 संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने एक ज्वेलर के गोडाउन से टेनिस बॉल के 2 डिब्बे, 10 छाते सहित कुल 25,000 रुपये का सामान चोरी करने की वारदात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुरानी बस्ती के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर थाना की टीम द्वारा अनिल यादव, उमेश साहू, लखन तिवारी, इनसे उनको पकड़ कर पूछताछ की। पूछताछ पर इन्होंने गोपाल ज्वेलर्स है, उनका गोडाउन में काम करते थे, वहाँ से करीब 60 नग डब्बे टेनिस बॉल के और 80 करीब छाता, ये सब चोरी कर ले जाना बताया, जिसमें उनके 41,000 कार्यक्रम गिरफ्तार किया गया। ललितपुर पुलिस ने आर्मी भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी MBS एकेडमी नाम की कोचिंग चलाता है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आरोपी युवाओं को अग्निपथ योजना के खिलाफ उकसा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की, जिसमें आरोपी अपने आप को आर्मी का पूर्व कमांडो बता रहा था। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी सच्चाई बाहर आ गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डायल 112 पर कॉल कर गलत जानकारी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को लगातार एक ही नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाला शख्स अलग अलग जगह पर आपराधिक घटनाओं की जानकारी दे रहा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कुछ ना मिलता, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में एक जानकारी मिली थी कि एक विराज अंसारी नाम का युवक है, वही गुड़गांव का रहने वाला है। ये जो डायल 112 जो इमरजेंसी सर्विस है उसमें बार बार फोन करके परेशान कर रहा था और कारण फोन करके इमरजेंसी सेवा को बाधित कर रहा था। इसमें जानकारी मिलने पर इसके खिलाफ इसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें प्रतिबंधक कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी फरार हैं। वहीं मुरादाबाद एसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मोनू नाम के कारोबारी की उसके सगे भाई और बहनोई ने प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने मोनू उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। वहीं उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक जो कारखाना है उसके जो आधा हिस्सा है उसको बेच दिया गया था और उसको लेके ये जो मृतक है ये विरोध कर रहा था। इसका जो सगा भाई जिसका नाम सोनू है और इसका बहनोई जिसका नाम प्रदीप है, इन दोनों ने मिलके इस षड्यंत्र साजिश को प्लान किया। शाजापुर में लगातार 2-3 दिनों से डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। शहर में सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं एक तरफ बोनी का समय है, किसान को अगर डीजल नहीं मिलेगा तो किसान खेतों की बोनी कैसे करेगा। वहीं किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें डीजल 2000 से 3000 तक का ही दिया जा रहा है, ऐसे में हम कैसे बोनी करेंगे, जबकि ट्रैक्टर में हमको डीजल कम से कम 50 लीटर तक चाहिए होता है। 1-2 घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पे पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं अभी, और 3-4 हजार से ज्यादा का ये डीजल नहीं दे रहा। तो खेत में ट्रैक्टर पिया घर में फसल कहाँ से करा, खेती कहाँ से बखरा, डीजल है ही नहीं, आया नहीं हमारे पास भी, और 2-2 हजार 1500-1500 का दे ही अभी बताइएगा, इससे ज्यादा नहीं देंगे। 2000 रुपये का डीजल बोल रहे हैं कि 2000 रुपये का डीजल देंगे आपको, तो हमारा किसानों का काम है, किसान का खेती का काम आया, तो डीजल नहीं मिल रहा हमको, बहुत परेशानी आ रही है डीजल के लिए। रोज डेली आ रहे हैं यहाँ शाजापुर डीजल लेने, तो डीजल नहीं मिल रहा, कोई कहता है कि अभी यही नहीं है, पेट्रोल पंप वाला बोलते हैं कि अभी डीजल आया ही नहीं है। कटनी के मेन रोड पर पोल गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालक बाल बाल बच गए। इस दौरान पोल से निकलने वाली फायरी हवा ट्रक में फंस गई। हालांकि जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से पोल को हटवाने का कार्य किया। अभी 8 बजे करीब एक रोड बनाने वाला हाईवे निकला है, जो तार फंसा करके तार को ठीक करके देखा नहीं, जो भी है लापरवाही से पूरा ये कैमरे में देखा हम लोगों ने, फिर यहाँ आकर के देखे तीनों खम्बा थी, इसी तरह घटना है और ट्रक वाले को बुलाया जा रहा है। बड़वानी बाईपास से दूर बसा हगरिया फलिया अब रूपनगर वार्ड के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को इस वार्ड में लगाए गए शिविर के दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला न्यायाधीश अमित सिंह सिसोदिया ने मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ रहवासियों को दिलवाया। वहीं विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को मिलने वाले हित लाभ का भी वितरण किया। हमारे कलेक्टर साहब, जज साहब, एसडीएम साहब आए और हमारे गांव की हाल करे, हमारे आसमान कार्ड बन गए। कितने कार्ड बन गए आपके परिवार के? मेरे परिवार के 3। 3 बन गए? हाँ। तो आप खुश हैं? खुश है सर। राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहा है। ताज़ा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र से आया है, जिसमें अज्ञात गाड़ी सवारों ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नरसिंहा थाना क्षेत्र का मामला है, ये धनेली के पास की घटना है। इसमें पंकज साहू बाइक में था, कोई अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर मार के एक्सीडेंट किया है, जिसमें पंकज साहू की मृत्यु हो गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बीते 7 सालों से विश्व स्तर पर ये खास दिन मनाया जा रहा है। इस साल यानी 8वां योग दिवस का केंद्र मैसूर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योग डे से इस साल कर्नाटक के मैसूर में मना रहे हैं। स्वस्थ रहने के इस उत्सव में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने उत्साहित हैं। अगर आपने भी अब तक योग को अपने जीवन में नहीं शामिल किया है तो अब बिना देर किए बेहतर लाइफस्टाइल के लिए इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये योग आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करेगा। आपको बताते चलते हैं कि भारत में पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। योग दिवस मनाना क्यों है जरूरी? योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। अगर आप रोजाना योग करते हैं तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो अब विदेशों में भी फैल गया है। योग के विदेशों में प्रसारित करने का श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। योग का महत्व कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया, जब कोविड लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, सारे जिम बंद हो गए थे। तब लोगों ने मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर पर ही योग अभ्यास किया। योग दिवस पर भारत का रिकॉर्ड संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योगासन किया। सबसे खास बात ये है कि इनमें 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और 21 योगासनों का अभ्यास किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। भारत में योग दिवस पर हुए इतने बड़े आयोजन को लेकर 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किए गए, जिसमें पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के साथ में योग करना था और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ इस समारोह में हिस्सा लेना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास। शरीर के लिए महत्वपूर्ण है योग। सुबह की शुरुआत योग के साथ करें। मन और शरीर की संयुक्त कसरत है योग। तनाव को कम करता है योग।
मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है योग। एकाग्रता में सुधार करता है योग। नकारात्मकता को भी दूर करता है योग। योग करेगा सभी रोग दूर।